क्या आप मोटे हो, इसके बारे में आज बातचीत करते हैं नंबर्स में। क्या कि कोई व्यक्ति को हम साधारण से ही बोल देते हैं, अरे आपने वजन बहुत बढ़ा लिया या आपका वजन बहुत बढ़ा हुआ है, आप जरा मोटे दिख रहे हैं, आपका वजन कम करना चाहिए, ऐसा लोगों को हम बोलते रहते हैं। जनरल मिलते हैं तो बोलते हैं, अरे तू ज़्यादा वजनदार दिख रहा है, ज़्यादा मोटा हो गया। तो एक हमारे देश में एक मोटापा लोग बोलते रहते हैं, ऐसा लोगों का एक कल्चर बाउंड है, क्या इतना इतना ऐसा दिखा मतलब मोटा है वो। वही व्यक्ति हम अमेरिका में लेके जाएंगे तो बोलेंगे दुबला है, क्योंकि अमेरिका में सब लोग मोटे होते हैं, बहुत बड़ा पेट रहता है, हेल्दी रहते हैं, वजनदार रहते हैं। तो फिर बोलना किसको है कि मोटा है कि नहीं है? तो उसके लिए हमारे पास में है नापने का तरीका BMI, बॉडी मास इंडेक्स, BMI। और BMI कैसे कैलकुलेट किया जाता है? BMI कैलकुलेट किया जाता है आपका वजन किलोग्राम में डिवाइडेड बाय आपका कद, मतलब आपका हाइट इन स्क्वायर मीटर, उसका स्क्वायर मीटर। तो अभी ये यदि 18.5 से कम है तो समझते कि अंडर वेट है, इसका वजन बहुत ही कम है। 18.5 से लेके 24.9 है तो समझते कि ये नॉर्मल वेट है, ये नॉर्मल हेल्दी है। 25 से 30 यदि आपका BMI है तो ये समझते हैं कि ये ओवर वेट है। 30 से ज़्यादा है, 30 से 35 है तो समझते हैं कि क्लास 1 ओबेसिटी है। 35 से 40 है तो क्लास 2 ओबेसिटी है, और 40 से ज़्यादा है तो क्लास 3 ओबेसिटी है। तो हमारा आइडियली कितना होना चाहिए? आइडियली हमारा होना चाहिए 18.5 से लेके 24.9 तक, ये आइडियल है। मतलब करीब करीब 18.5 से 25, ये अपना आइडियल है BMI का नंबर। और ये यदि आपका है तो आप बराबर शेप में, वेट में सब बराबर है। 18, 18.5 से कम है तो अंडर वेट है, 25 से ऊपर है तो आपका वेट ज़्यादा है, वजन ज़्यादा है आपका, और आपने नीचे लाना ही चाहिए। अब सवाल ये आता है कि आपका ब्लड प्रेशर कितना है। ब्लड प्रेशर 120 सिस्टोलिक और 80 डायस्टोलिक है तो वो नॉर्मल माना जाता है। यदि 140 ऊपर का है और 90 नीचे का है तो ये ब्लड प्रेशर ज़्यादा है अभी, और उसको ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ सकती है, ऐसा माना जाता है। आपका फास्टिंग शुगर ये होना चाहिए आइडियली 100 के नीचे। फास्टिंग शुगर जो है वो 110 के ऊपर हो जाता है तो उसको अलार्मिंग साइंस है, और खाना खाने के बाद में यदि 140 के ऊपर है तो ये बॉर्डरलाइन डायबिटीज माना जाता है। आपका फिटनेस बहुत ज़रूरी है। फिटनेस के लिए आप काफ़ी वेजिटेबल्स खाते हैं, जितने अलग अलग रंग के वेजिटेबल्स आप खाते हैं उतना अलग अलग बहुत अच्छा है। वेजिटेबल्स में फाइबर भी होते हैं, पेट भी भर जाता है और खाना भी कम जाएगा। वैसे रेगुलर एक्सरसाइज करना, 40 मिनट से लेकर 1 घंटा एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, और उसके साथ साथ आप 7 से 8 घंटा नींद लेते हैं तो वो भी एक रीजनरेशन में काम में आती है। स्क्रीन टाइम जो आपका है वो 2 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मैक्स टू मैक्स 2 घंटे। और उसके साथ साथ शराब पीना बिल्कुल ही बंद। हाँ कभी कभी तभी ले लिया, हफ्ते में एक आधी बार ले लिया, एंजॉय करने के लिए ले लिया तो ठीक बात है। और निकोटीन जो है मतलब स्मोकिंग और तंबाकू एकदम ज़ीरो होना चाहिए। यदि आप ये पालन करते हैं तो डेफिनेटली आपकी उम्र बढ़ जाएंगी, आप फिट रहेंगे, आपको बीमारी नहीं होंगी, आपको कोरोना नहीं होगा, और आप एक अच्छा जीवन जी सकेंगे। थैंक यू वेरी मच।